देखिए कानून से मैं बहुत कोशिश करूंगा थोड़े शब्दों में, फिर भी थोड़ा समय लगेगा, पर फिर मैं आपको बताऊंगा जब आपने बिल्कुल संक्षेप में। ये कानून कहने के लिए तीन कानून है और किसानों के लिए बताए गए हैं, हकीकत में इनमें से एक भी कानून किसान के लिए नहीं। ये तीनों के तीनों कानून इस देश के उद्योगपतियों के लिए है। फिर भी एक मिनट को अगर सोचें तो जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, यानी आवश्यक वस्तु अधिनियम जो 1955 का एक्ट है जिसमें इन्होंने संशोधन किया है सेक्शन 3 में, उसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। जो दो कानून हैं वो है एक मंडी व्यवस्था से संबंधित और एक है कॉन्ट्रैक्टिव फार्मिंग से। इनमें भी ये दोनों आप किसान से कह सकते हैं, बल्कि इनमें एक ही है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, जिसे आप किसान से संबंधित कह सकते हो। तो हम केवल इसी पर बात करते हैं, बाकी को साइड में रखते हैं। ये कानून 11 पेज का टोटल कानून है, इसमें कुल धाराएं 25 हैं और काम की जो धाराएं हैं वो मैं आपको गिनाए दे रहा हूं, धारा 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 और 11, 13, 14, 18, 19 और 20, यानी 13 धाराएं कुल इस कानून में काम की हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या है ये कानून, जिससे लोगों को समझने की बहुत जरूरत है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, इस कानून से केवल किसान तबाह नहीं होगा, इस कानून से इस देश का गरीब मजदूर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इस देश का जो छोटा व्यापारी है वो छोटा व्यापारी खत्म हो जाएगा, राशन की 5 लाख दुकानें खत्म हो जाएंगी और इस देश का जो मध्यम वर्ग है वो भी पूरी तरह से टूट जाएगा, क्योंकि जब महंगाई बढ़ेगी ना तब उसकी मार उसे पता लगेगी। तो इसमें जो सेक्शन 3 है, इस सेक्शन 3 में एग्रीमेंट है, इसको समझने की जरूरत है, इसी से समझ में बाकी सारी चीजें आ जाएंगी। सेक्शन 3 एग्रीमेंट से है कि क्या एग्रीमेंट होगा। सेक्शन 4 वो है कि जिसमें किसान की जो फसल है उसकी किस किस समय पर जो है जांच पड़ताल होगी। सेक्शन 5 में उसकी कीमत क्या होगी और सेक्शन 6 में ही कि जब फसल ली जाएगी कब किसान को पैसा दिया जाएगा और उससे पहले क्या जांच की जाएगी। तो मैं सेक्शन 3 की बात करता हूं। सेक्शन 3 में जो एग्रीमेंट होगा उसमें लिखा जाएगा कि व्यापारी जिस किसान के साथ में एग्रीमेंट कर रहा है उस एग्रीमेंट के अनुसार उस जमीन पर कौन सी फसल उगाएगा, उस फसल का जो क्वालिटी है वो क्या होगी, उसका जो ग्रेड है वो क्या होगा और उस फसल की जो वो है स्टैंडर्ड है वो क्या। ये 3 शब्द हैं। अब इसी के साथ आगे इसी कानून उसमें लिखा गया है सेक्शन 3 में, इस फसल के लिए जो बीज होगा, जो खाद होगा, जो कीटनाशक होंगे, जो मशीनरी होगी और जो टेक्नोलॉजी होगी, ये सारी की सारी चीज वो व्यापारी जो है ना वो उपलब्ध कराएगा। इसके आगे लिखा हुआ है कि किसान की जो ये सारी चीजें होगी उसमें किस किस समय इस फसल की जांच होगी। तो बोते समय जांच होगी, जब फसल बढ़ जाएगी तब जांच होगी और जब फसल कट के घर में या व्यापारी लेके जाएगा अपने गोदाम में उस समय इसकी जांच होगी। इसके अलावा इसकी कीमत क्या हो वो भी इसी में लिखा जाएगा और एक इसमें लिखी जाएगी कि अगर आपस में झगड़ा होता है उसके लिए एक कमेटी बनेगी जिसमें दोनों पक्षों के बराबर लोग होंगे। वो कमेटी जो है अगर कोई बात होती है, विवाद होता है तो वो फैसला करेगी। अब जरा आप सोचने की कोशिश कीजिए, ये कानून अगर पूरा का पूरा देश में लागू हो जाता है तो आप बहुत स्पष्ट रूप से कह सकते हैं, कुछ आरटी सेल इसके जो बीजेपी का आईटी सेल है उसके कीड़े कहते हैं कि भाई कोई किसान करे ना करे ये तो किसान की मर्जी पर है, ऐसा नहीं होगा। जब गांव में से आधे लोगों ने कर लिया तो बाकी आधे लोग भी धीरे 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 इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। ये एक दिन में नहीं होगा लेकिन साल में, 2 साल में 3 साल में, बस इतने 3 साल में ये सारा सब कुछ हो जाएगा। जब सारी जमीन उस पे होने वाली फसल, उस फसल का एग्रीमेंट व्यापारी से हो गया तो सारी जो फसल है जितनी भी देश में उगेगी वो सारी व्यापारी के घर में चली जाएगी, चाहिए उसके गोदाम में जाएगी कि नहीं जाएगी, बताइए आप। जब पूरा खेती पर एग्रीमेंट हो गया तो पूरी फसल वहां जाएगी। ये जो सरकार जो देश के 82 करोड़ लोगों के लिए राशन की 5 लाख दुकानें खोल रखी है, बताइए उनके लिए अनाज कहां से आवेगा। जब सारा ही अनाज व्यापारी के गोदाम में चला गया उनके लिए अनाज कहां से आवेगा। जिनके लिए 2013 में सरकार ने, संसद ने
एक कानून बनाया था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून। उन 82 करोड़ लोगों को 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं और 1 रुपए किलो मोटा अनाज देने का जिसमें वादा किया गया है। और देश में इतनी बड़ी संख्या में मतलब बेकारी है, गरीब लोग हैं, क्योंकि इसको ऐसे समझो आप, मोदी जी ने अभी कोरोना काल में जो घोषणा की उसने ये कहा कि देश के 80 करोड़ लोगों को नवंबर तक 5 किलो अनाज और 1 किलो चना वो उपलब्ध कराएंगे, ये कहा उन्होंने। तो इसका मतलब ये है कि देश में इतने लोग जिनके लिए कानून बनाता 2013 में, उतनी बड़ी संख्या में गरीब लोग हैं। जब सरकार के पास उन 5 लाख राशन की दुकानों में देने के लिए अनाज नहीं है, उन गरीबों को देने के लिए अनाज नहीं है, तो क्या वो गरीब जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे, ये बताइए आप। दूसरी बात, वो व्यापारी जो खाद बेचते हैं, कोई बीज बेचता है, कोई पेस्टिसाइड बेचता है, कोई मशीन बेचता है, कोई टेक्नोलॉजी वगैरह, ये सारी चीजें उपलब्ध कराता है, लाखों की संख्या में वो व्यापारी है। जब किसान से एग्रीमेंट करने वाला व्यापारी ही ये सारी चीज उपलब्ध करा देगा तो ये व्यापारी कहां जाएंगे, स्वाभाविक ही ये व्यापारी खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब ये है एक तीर से कितने निशाने, किसान मरा, क्योंकि किसान इस कानून के बाद अपनी ही जमीन पर पहले मजदूर बनेगा और फिर गुलाम बनेगा, और धीरे धीरे उसकी जमीन, जिसे सरकार कह रही है ना, सरकार वो नहीं बता रही कि 1947 से पहला का जो भारत है उसमें जो गांव में साहूकार होते थे जिससे कर्ज ले लिया और एक बार कर्ज क्या लिया वो जिंदगी भर कर्ज नहीं उतर जाता, पीढ़ियां गुजर जाती थी लेकिन कर्ज चुकाते होता था और किसान की जो जमीन होती थी धीरे 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 करके उसी साहूकार के पास में चली जाती थी। ये है सच्चाई जिसे प्रैक्टिकल आप चीजें बोलते हैं। इसी कानून के तहत ये सारी चीजें होंगे, तो किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर, गुलाम और फिर हमेशा के लिए बेकार हो जाएगा, उसके हाथ से जमीन निकल जाएगी। गरीब आदमी मर गया, व्यापारी मर गया। अब आप ये बताइए कि जब सारा का सारा अनाज व्यापारियों के गोदाम में चला जाएगा तो व्यापारी उसे जब निकालेगा मार्केट से, जब उसकी कीमत 4 गुना 5 गुना 6 गुना होगी, यानी आज जो अनाज आपको 25 रुपए 30 रुपए किलो मिल रहा है, वो अनाज आने वाले समय में अगर अब से लागू होता है तो 4 या 5 साल, इससे ज्यादा नहीं है, उसके बाद में वही अनाज आपको 100 रुपए 125 रुपए या 150 रुपए में मिलेगा, कितना महंगा पड़ेगा। दूसरी बात, इस कानून के बाद में क्योंकि व्यापारी ही बीज भी खाद भी सारी चीजें उपलब्ध कराएगा, वो अपनी कीमत पर कराएगा, किसान की कीमत पर नहीं, क्योंकि इस देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि यहां किसान ही जो चीजें उगाता है, महीनों सालों मेहनत करता है, वो अपनी उपजी हुई चीज की कीमत तय नहीं करता, उसे या तो सरकार तय करती है या लेने वाला व्यापारी तय करता है, पर उसके अलावा बाकी जो जो चीज बनाता है उसकी कीमत वो तय करता है। तो ये जो व्यापारी है, ये व्यापारी वो जो चीजें देगा निश्चित रूप से ऊंची कीमत पर देगा, तो खेती में लागत बढ़ेगी, लागत बढ़ेगी तो मुनाफा कम होगा। अब रही इसकी बात, इसके आगे एक चीज आपको बताऊंगा, उससे खत्म करो कि जो सरकार है जो एमएसपी की बात कर रही है कि एमएसपी लागू रहेगी, मैं कह रहा हूं कि अगर एमएसपी को कानून भी बना दो आप और जितनी एमएसपी है इससे ज्यादा भी आप डिसाइड कर दो और ये कानून लागू रहे, एमएसपी किसी किसान को नहीं मिलेगी, एक को भी, अभी तो 6% को मिल रही है, एक को भी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, बहुत सीधा सा है, जब आपकी और मेरी यानी किसान की और व्यापारी की फसल की कीमत आपस में तय हो गई तो कीमत तो वही मिलेगी ना, एमएसपी कैसे मिलेगी, या सरकार कानून में लिखती कि एमएसपी से कम पे कोई भी एग्रीमेंट नहीं होगा, ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं है ना। इस तरह से इस कानून से पूरा देश तबाह होगा। और आखिर में देखिए बड़ी मजेदार बात, सुप्रीम कोर्ट को इसलिए भी इस कानून को खत्म कर देना चाहिए था, जिस किसी भी कानून में कोर्ट का हस्तक्षेप रोका जाए वो कानून अपने आप में ही इनवैलिड हो जाता है, बेकार हो जाता है। क्यों आप करना चाह रहे हैं, इस कानून की धारा 18 में बड़ी मजेदार बात है, अगर कोई भी जैसे 30 दिन में वो कमेटी वो तय करेगी, अगर उसके भी फैसले नहीं मानते आप, एसडीएम करेगा 30 दिन में, फिर उसके आगे 30 दिन में वो करेगा डीएम, और 30 दिन का अपील का उसका समय, मतलब यह हुआ कि 4 महीने अगर किसी में झगड़ा पड़ता है तो जमीन 4 महीने खाली पड़ी रहेगी, और आप जानते हैं कि 4 महीने में जमीन में एक फसल पैदा हो जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि जितनी भी ऐसी जमीन 4 महीने खाली पड़ी रहेगी उससे न केवल किसान का नुकसान बल्कि देश का भी कितना बड़ा नुकसान इस कानून के तहत हो जाएगा। अब मजेदार बात,
ये जो SDM है, ये जो ADM है, ये जो DM है, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, सेक्शन 18 में साफ किया गया है कि इनमें से कोई भी जो भी इस विषय में कोई भी फैसला देगा उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं। मतलब ये बहुत अच्छी बात है, आप गर्दन भी काटते रहे और जिम्मेदारी भी किसी की नहीं। हाँ, अजीब मामला है भाई। कम से कम अगर कोई व्यक्ति है, किसी ने कुछ गड़बड़ लगती है, हमें लगता है कि इसने गड़बड़ की है, निश्चित रूप से उत्तरदायी होना चाहिए, उसके खिलाफ केस होना चाहिए। पर सरकार ने सेक्शन 18 में लिख दिया, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, उसका कोई कर्मचारी, SDM, ADM, DM, इनमें से किसी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, ना कोई सिविल की, ना ही कोई क्रिमिनल की, ना कोई मुकदमा इनके खिलाफ होगा। ये है कानून जिससे मैं कह सकता हूं कि पूरे देश को तबाह करने वाला कानून, और केवल चंद उद्योगपतियों जिनकी चौखट को चूमते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनकी गुलामी करते हैं, उन उद्योगपतियों के लिए ये कानून लेकर आए। इतने बड़े देश के जो मतलब इतनी बड़ी संख्या, सीधे सीधे ये कानून 120 करोड़ लोगों को इफेक्ट कर रहा, देश के 135 में से 120 करोड़ लोगों की उन्हें चिंता नहीं है, अपने दो चार यारों की चिंता है जिनकी वो गुलामी कर रहे हैं। ये है कानून सर। एक